हेलो, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ ई स्क्वायर स्कूल सिस्टम। हाउ आर यू ऑल? होप यू आर डूइंग वेल एट योर होम्स। स्टे होम, स्टे सेफ, कंटिन्यू योर स्टडी फ्रॉम योर ई स्क्वायर स्कूल सिस्टम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पेज। स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर यूनिट 1, आदिल एंड ऑरेंज सीड्स। यू रेड, वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ बॉय कॉल्ड आदिल। ही वॉज लेजी। They are very poor. He and his mother were very poor. One day his mother said, we don't have any money. We must sell our cow. Adil went to the market to sell the cow. On the road he met an old man. The old man said, I like to buy your cow. I don't have any money, but I have a magic orange seed. He went home with the orange seed. He told his mother he had sold the cow for a magic orange seed. His mother was very angry. She said, you silly boy, you sold the cow just for a seed. Adil thought himself a really silly boy, but he planted the magic orange seed in the front of his house. A plant grew from the seed and began to grow higher and higher. In a few moments, the plant became a tree with thousands of ripe oranges. Adil and her mother were very surprised. He broke the oranges from the tree and sold them in the market. The tree grew new oranges just in no time. In this way, Adil sold the oranges when he needed money. So Adil and his mother lived happily ever after. So students, we have done our exercise A's question number 1 and question number 2 in previous lecture. Now we shall do question number 3 and question number 4. Students, question number 3 is, what did the old man say to Adil? Students, the answer is on your book page number 5, second paragraph. The old man said, I like to buy your cow. बूढ़े आदमी ने कहा, मैं तुम्हारी गाय लेना चाहता हूँ. I don't have any money, मेरे पास कोई पैसे नहीं हैं. But I have a magic orange seed. मगर मेरे पास एक जादुई माल्टे का बीज है, यानी कि जादुई माल्टे का बीज उसने आदिल को गाय के बदले में दिया. स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे सवाल नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट डिड आदिल्स मदर से व्हेन शी वाज एंग्री? आदिल की माँ ने उसे क्या कहा जब वो बहुत गुस्से में थी? स्टूडेंट्स, आंसर इज ऑन योर बुक पेज नंबर 6, सेकेंड पैराग्राफ. हिज मदर वॉज वेरी एंग्री. उसकी माँ बहुत गुस्सा हुई. यू सिली बॉय, तुम बेवकूफ़ लड़के. यू सोल्ड द काउ जस्ट फॉर अ सीड. तुमने गाय बेच दी एक बीज के बदले में. शी सेड, उन्होंने कहा. वी डोंट हैव एनी मनी, हमारे पास कोई पैसे नहीं है. नाउ वी डोंट हैव अ काउ टू, अब हमारे पास कोई गाय भी नहीं है. अब हम क्या खाएंगे? जस्ट ये बीज. वट आर वी गोइंग टू ईट, हम क्या खाएंगे? जस्ट दिस सीड, क्या सिर्फ ये बीज? स्टूडेंट्स, आप लोगों ने एक्सरसाइज ए के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको करवाए थे, वो आपने ज़रूर नोट किए होंगे. अभी इस वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 आपकी इंग्लिश बुक से करवाए हैं. स्टूडेंट्स, आपका काम ये है कि आपने अपनी होम असाइनमेंट के लिए इन क्वेश्चन और आंसर्स को रफ पेज पर या रफ रजिस्टर पर अच्छे से गुड हैंड राइटिंग में लिख कर उसकी पिक्चर या वीडियो हमें सेंड करनी है, ताकि मैं उसे चेक करूं और आपको आपके अगले लेक्चर की तरफ लेके चलूं. नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 करवाऊंगी. क्वेश्चन नंबर 5 करने से आपकी एक्सरसाइज ए कंप्लीट हो जाएगी और ये कंप्लीट एक्सरसाइज आप अपनी फेयर कॉपी पर नोट करेंगे. स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज ए कंप्लीट होते ही आपको अगले आपके नेक्स्ट लेक्चर में बुक की एक्टिविटी पूरी करवा दी जाएगी. नेक्स्ट लेक्चर में आप इस सारी एक्सरसाइज को कंप्लीट करने के बाद हमें अपने पूरे काम की पिक्चर या वीडियो ज़रूर सेंड करेंगे. पेज नंबर 7 आपकी बुक का कंप्लीट करवा दिया जाएगा. ये वीडियो भी आप देखकर इसकी मदद से अपना काम मुकम्मल करें, अपनी एक्सरसाइज ए कंप्लीट करें और हमें लाजमी सेंड करें, ताकि हम चेक करके आपको नेक्स्ट लेक्चर की तरफ लेकर चलें. आपके होम असाइनमेंट को चेक करने के लिए मुझे आपके मैसेज का वेट रहेगा, आपकी पिक्चर का वेट रहेगा. आप जल्द अज जल्द हमें अपनी पिक्चर सेंड करें. थैंक यू.